हेलो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन कारणों की वजह से आपके जो घुटने का कार्टिलेज है वो घिस सकता है और किन किन टिप्स को अपना के घर बैठे आप अपने घुटने के कार्टिलेज की जो समस्या है जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है और आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चीज को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। कार्टिलेज का काम होता है आपके घुटने में चिकनाई को बना के रखना, जिसकी वजह से आपके घुटने घिसते नहीं है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां घिसती नहीं है और मूवमेंट्स बहुत ही इजीली हो पाते हैं। जब आप अपने कार्टिलेज पर ढंग से सही तरीके से लोड डालते हैं, यानी कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करना, या कोई भी जब स्पोर्ट्स प्ले करते हैं तो उस टाइम पे जो आपकी कार्टिलेज पे लोड पड़ता है उससे आपकी कार्टिलेज और भी मजबूत होती है। बट कई बार अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है, खासकर आपकी अगर हिप की मांसपेशियां कमजोर है, आपकी मांसपेशियों की वीकनेस की वजह से आपका जो कार्टिलेज है वो ओवरलोड होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो आपका कार्टिलेज है वो घिसना स्टार्ट कर देता है और आपको पॉपिंग का साउंड फील होता है, आपको पेन होता है। आप कोई भी लोडेड एक्टिविटी करते हो, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, स्क्वाट लगाते हो या हैवी वजन के साथ स्क्वाट करते हो, इन एक्टिविटीज में आपको जो है एक साउंड और आपको पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है क्योंकि आपका कार्टिलेज घिसना स्टार्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं आपकी मांसपेशियां काफी कमजोर हो गई है। आपके घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां है, साथ ही साथ आपकी जो हिप की मांसपेशियां है, अच्छे तरीके से आपने उसकी स्ट्रेंथनिंग को मेंटेन करके रखा है तो आपके जो नी पे एक्स्ट्रा लोड है उसको वो मैनेज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। आपके घुटने की जो कार्टिलेज है अगर वो घिस जाता है, इस कंडीशन को हम कोंड्रोमलेशिया पटेला भी कहते हैं। इसके कई सारे ग्रेड्स होते हैं जो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे किस लेवल का आपका कार्टिलेज डैमेज है। अब हम बात करेंगे किन किन टिप्स को अपना के आप घर बैठे कार्टिलेज डैमेज यानी कि कोंड्रोमलेशिया पटेला के कंडीशन में आप अपने सिम्टम्स को, पेन को मैनेज कर सकते हैं। सो मेन थ्री टिप्स आप अपना सकते हैं ये कार्टिलेज डैमेज के कंडीशन में। टिप नंबर वन, आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे। मेनली आप फोकस करेंगे लेटरल हिप स्ट्रेंथनिंग पर, जो आपकी हिप की मांसपेशियां हैं, जो लेटरल साइड की हिप की मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग पर आप फोकस करेंगे। आपका जो रिहैब है, आपका जो प्रोटोकॉल है उस पर वर्क करेगा। जब आपका जो हिप है, जो लेटरल साइड की हिप की जो मांसपेशियां हैं, अगर आप उनको अच्छे से स्ट्रेंथन करके रखते हैं तो जो आपके पटेला पर लोड पड़ रहा है, आपकी जो लेटरल हिप की मांसपेशियां हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपकी क्वाड्स की मसल से और जो आपका क्वाड्स का मसल है वो आपके जो पटेलर मूवमेंट है, आपके पटेले का जो मूवमेंट है उसको होल्ड करके रखता है। तो अगर आपकी हिप की मांसपेशियां स्ट्रेंथन रहेगी तो आपकी क्वाड्रिसेप्स की जो मसल्स है उसको खींच लेगा और आपकी क्वाड्रिसेप्स की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन होने के बाद आपके जो पटेले पर, आपके नी जॉइंट पे जो ओवरलोड हो रहा है उस लोड को मैनेज करेगा। इस तरीके से आप अपने जस्ट नी के जस्ट अराउंड की जो मांसपेशियां है, आपकी क्वाड्स की जो मसल्स है और आपकी लेटरल हिप की जो मांसपेशियां है उनकी स्ट्रेंथनिंग पर आप फोकस कर सकते हो। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें आप इन कंडीशन में, इसके लिए आप हमारे पेज पे चेकआउट कर सकते हैं। सो टिप नंबर टू इज वेट मैनेजमेंट। आपकी किसी भी कंडीशन में, आपका चाहे ओए का केस हो, कार्टिलेज डैमेज का केस हो या नी का कोई भी प्रॉब्लम हो, वेट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कार्टिलेज डैमेज के कंडीशन में। अगर आपके बॉडी में 1 kg एक्स्ट्रा वेट, बॉडी वेट ऐड होता है, यानी कि अगर आपके बॉडी में 1 kg एक्स्ट्रा वजन बढ़ता है तो आपके घुटने पे उसका 4 गुना ज्यादा वजन का वेट ट्रांसफर होता है। ये काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये बताया गया है कि बॉडी वेट जितना भी आपका होता है उसका 4 गुना लोड आपके घुटने पर पड़ता है। तो आप अपने BMI के अकॉर्डिंग, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट मैनेजमेंट, यानी कि आपका हाइट और बॉडी वेट दोनों का BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपना वेट मैनेज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो पेन है, डिस्कम्फर्ट है, जो सिम्टम्स है उसमें रिलीफ आएगा। अगर आप एक ओबेस पर्सन है और आपके BMI के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट एक्स्ट्रा है तो टिप नंबर सेकंड में आप ये ध्यान देंगे कि आप अपने बॉडी वेट पे जरूर फोकस करें। सो टिप नंबर थ्री इज इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम। अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, अगर आप एक एथलीट है तो इस क्राइटेरिया में एक स्पोर्ट्स प्लेयर और एक पर्सन क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करता है और स्पोर्ट्स प्ले करता है, यानी कि जिम में जाके सिर्फ वजन उठाते रहते हैं, स्क्वाट में काफी हैवी वजन लिफ्ट करते हैं और इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम पर फोकस नहीं कर पाते। इन केसेस में भी आपका घुटना घिसने लग जाता है तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, आपके स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टेलर मेड इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम पर आने की जरूरत है, जिसके थ्रू आप अपने सिम्टम्स को और आप अपने जो आपके घुटने की कार्टिलेज है उसको आप हेल्दी बनाए रख
रख सकते हैं और आप अपने घुटने के कार्टिलेज को घिसने से बचा सकते हैं। अगर आप इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम जानना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पे भी चेकआउट कर सकते हैं इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम। और अगर आपको फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन की गाइडेंस की नीड है, अगर आप एक गाइडेंस लेना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम अपने लिए बनवा सकते हैं या किस तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हमारी फ्री फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं हमारे पेज पे कॉन्टेक्ट करके। धन्यवाद।